और टाइम पे तो यू कैन कम टूरिस्ट इज रियली शाय गाइस दिखा यार थोड़ा पीछे जाओ कहाँ जाएंगे वाटर पॉन्ड में जाएंगे बोला गाइस पर अभी खाने में डर सा लग रहा है बचपन में बहुत खाया हम लोगों ने वो भी चूर मच गई अभी यहाँ पे कई टूरिस्ट आए थे बी अ गुड सिटीजन गाइस इतनी सारी ग्रीनरी के बीच में इतना गंदा प्लास्टिक अच्छा नहीं लगता है वही तो और हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो गाइस अंजी कटोच का पोस्ट हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आज हम और अंजी कटोच अभी परे हैं एज यू कैन सी मैं पीछे जेटल पहुंच चुकी हूँ और मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ अभी लेट मी शो यू द आउटफिट दिस इज द आउटफिट गाइस वेरी प्रिटी एंजल लग रही हूँ मैं खुद को कोई बोल नहीं रहे मैं खुद ही बोल देती हूँ सो दिस इज द आउटफिट ये वाला आउटफिट हमने अलग दिन पहनने को डिसाइड किया था मुसू के साथ मुसू के बर्थडे में पर वो प्लान हमारा सक्सेसफुल हो नहीं पाया तो मैंने सोचा कि आज पहन लेते हैं व्हाई नॉट तो अभी हम जा रहे हैं अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो नहीं पता मुझे पर देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं अंजलि कटोच इज ऑल्सो वेयरिंग ड्रेस लेट मी शो यू अंजलि कटोच दिस इज अंजलि कटोच का ड्रेस थोड़ा दिखा नहीं क्या शी इज रियली शाय गाइस दिखा यार थोड़ा पीछे जाओ ओह माय गॉड शी इज रियली शाय गाइस तो अभी हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं जुड़े रहे ये जाने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं बने रहे बोल या जुड़े रहे बने रहे व्हाटएवर गाइस बस साथ में रहें वो काफी है तो लेट्स गो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मनाली और हमारे साथ जो यात्री हैं वो बहुत ही परेशान हो रहे हैं कि मनाली का ट्रैफिक कहाँ चला गया है मनाली अच्छा नहीं लग रहा बिना ट्रैफिक के एकदम से पहुंच गए हम कटराई से मनाली 10-15 मिनट में दिस इज द विदाउट ट्रैफिक मनाली गर्मी तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कोठी पहुंच चुके हैं वन विभाग क्या ये क्या जैसा वाटिका में कोठी में है हम इस पार्क में पिछले बार पता नहीं कोठी 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 का बहुत ऑब्सेशन हो चुका है मुझे अब कहाँ जाएंगे वाटर पॉन्ड में जाएंगे बोला गाइस अब हम यहाँ पे पता कब आए थे हम जब प्रतिमा की शादी हुई थी ना तो हम लॉन को जा रहे थे उस टाइम टर्नर नहीं खुला हुआ था तो हम जा रहे थे और यहाँ पे उन्होंने रोका था फिर यहाँ पे हमने आलू और पूरी खाया था जिसको खा के मेरे पेट खराब हो गया था टटियाँ लग चुकी थी मुझे वो खा के मेरे घर जाके What is she? It is not she.
देखो देखो लोगो के लिए जाना चाहती हूँ। बुढ़ा चाहिए बुढ़ी है, जुआन चाहिए मेरे को, जुआन ले बुढ़ी चाहिए बुढ़ी। देखा बुढ़ा बुढ़ी का मतलब ये होता है गाइस, मतलब ये जो है अगर फूक मार के अगर आधा रह गया तो बुढ़ी मिलता है, बुढ़ी मिलती है, और अगर पूरा गंजा हो गया तो बूढ़ा। अंजलि की फूक में जोर ही नहीं था। बहुत ही पानी की तलाश में थे हम, और फाइनली हम पॉन्ड में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे रिवर साइड भी है। देयर इज अ रिवर साइड, ओह माय गॉड सच ब्यूटी, एंड दिस इज द पॉन्ड, ब्यूटीफुल। Beautiful. Wow, वो पता हम कहाँ गए थे पिछली बार, यहाँ पे यार, ये देखो गाइस कितने सारे हैं ये, अभी तो इनको खाने का ही है वैसे, पर अच्छा खाते हैं इनको, पर अभी खाने में डर सा लग रहा है, बचपन में बहुत खाया हम लोगों ने वो भी। ऐसी जगह से वो भी बिना धो के, ब्यूटीफुल। चेयर गाइस, तो दोस्तों खाना खुना जो विलायत हमने सब खा लिया है, नाउ वी आर क्लिकिंग सम पिक्चर्स। अंजलि का दोस्त ये गुलदस्ता दिया है गाइस मुझे, गंदी सी शक्ल बना रही है मुझे। कितना सुंदर और इतनी सुंदर आवाज पानी की, मेरी नहीं अब हम वापस जाएंगे है ना, बैठेंगे। अच्छी है ये जगह, मतलब टूरिस्ट का मैं, इफ यू वांट पीस यू कैन कम हियर। वैसे भी अब मॉनसून सीज़न शुरू हो चुका है तो टूरिस्ट एज यूजुअल से कम हो चुके हैं। फोटो खींचा हुआ जरा देखूँ,
तो गाइस अभी हम फोटोज क्लिक कर रहे थे, अंजलि का टॉर्च को चूर मच गई। अभी यहाँ पे कई टूरिस्ट आए थे, अभी तक नहीं था ये कूड़ा, वो लोग यहाँ फेंक के चले गए, पर उस टाइम हम परे थे तो हमें पता नहीं चला, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाए। तो एज यूजुअल अंजलि का टॉर्च कूड़े उठाने लग चुकी है, विच इज़ अ गुड थिंग, पर ऐसा कूड़ा भी फेंकना नहीं चाहिए। यार चिड़िया देखो वहाँ पे, कितना सुंदर यार। दोस्तों कितना कूड़ा फैला के रखा हुआ है, कितना कूड़ा है, कितना कूड़ा, और एक किल्टा भर के कूड़ा मैंने इकट्ठा करके वहाँ डस्टबिन में किल्टे में डाला है, डस्टबिन वाला किल्टा। यहाँ देखो भरा हुआ बॉटल लाते हैं इतने इतने पैसे देकर, पर खाली बॉटल अपने घर नहीं जा सकते अपने साथ। वेरी सैड, देखो ये डस्टबिन पूरा खाली था और मैंने इतने सारे बॉटल इकट्ठे करके यहाँ डाले हैं, और ये सारा सारे के सारे बॉटल्स यहाँ फेंके हुए थे यहाँ पर। डस्टबिन यहाँ है और कूड़ा यहाँ फेंका हुआ था, इतना भी कष्ट नहीं होता आप लोगों से। जो भी कूड़ा करकट लेके आओगे खाने पीने का, कृपया अपने साथ लेके जाएं, ऐसे जैसे मैं लेके जा रही हूँ, वरना आए ना यहाँ प्लीज़। कर लूँगी कैमरा। तो हम जा रहे हैं अभी वापस घर की तरफ को, और मैं जिन मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, मेरे जितने भी लोग, मेरे मतलब जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं जितने भी लोग, मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ अंजलि का टॉर्च ऑल्सो, कि आप जिस भी जगह पे जाते हो उस जगह में कृपया कूड़ा ना फैलाएं। अगर मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ ले जाते हो जिससे मतलब जैसे हम पिज़्ज़ा लेके आए थे, और पिज़्ज़ा खाने के बाद पिज़्ज़ा का डब्बा हमने उठा के अपने साथ ले जा रहे हैं, तो आप भी कृपया ऐसे करें, मतलब जो भी चीज़ आप साथ में लेके आ रहे हो अगर आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो आजकल सब जगह डस्टबिन अवेलेबल है, तो आप उस कूड़े को डस्टबिन में ज़रूर फेंकें, क्योंकि बी अ गुड सिटीजन गाइस। इतनी सारी ग्रीनरी के बीच में इतना गंदा प्लास्टिक अच्छा नहीं लगता है। वही तो, और मतलब इतना पढ़ लिख के भी अब ये सब चीज़ें कर रहे हो तो अच्छा नहीं लगता ये, तो मतलब ये सारा कूड़ा कृपया फैलाएं नहीं, समेटें। हाँ समेटें, अपना कूड़ा तो समेटें ही समेटें, अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपकी इच्छा है तो आप दूसरों का कूड़ा भी उठा के घर ना ले जाएं, बस डस्टबिन में फेंक दें, और आपको इधर उधर लोग दिखते हैं कूड़ा फैलाते हुए तो उनको भी जागरूक करें इस चीज़ के बारे में। यहाँ देख सकते हैं आप लोग जगह जगह इन्होंने ऐसे कूड़ा रखने के लिए रखा हुआ है, इसमें एक भी कूड़ा नहीं है और इधर उधर फेंका हुआ है सारा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मनाली, और निखिल जी को खाना है चिकन बर्गर, चिकन सैंडविच, तो वी आर गोइंग टू द बर्गर इज डिफरेंट थिंग, सैंडविच इज डिफरेंट, फर्स्ट टेस्ट लाइक सेम या, बट निखिल जी को खाना है चिकन बर्गर दाना स्पेशल, तो वैसे मैं दाना जाना नहीं चाहती थी, ऐसे कौन डाना नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली हमें डाना जाना पड़ रहा है, तो अब जा ही रहे हैं तो कुछ पी भी लेंगे ऐसा मैंने सोचा है। मेरे कितने फूल हैं, काश मेरे घर में तो हम जा रहे हैं अभी डाना उठूदा क्या है ना, फोन वाला कोई होगा तभी वो है।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दाना और वी आर हैविंग दिस ड्रिंक वाटर मेलन जूस उठा के कर भाई पी अब कॉटन है जी तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर और इस अंजलि को आते चैन नहीं मिल रहा यार यहाँ देखो इसको है क्या कर रही है मुजरे नहीं God, I'm so tired, guys. Oh my God. तो हमें बहुत मजा आया बहुत खा लिया बहुत पी लिया बहुत थक गए हम तो मैं अपना वीडियो यहीं एंड करना चाहूँगी और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया होगा तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल तब तक के लिए नहीं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय